सपने उनके ही सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही सपना साकार करने के लिए बीएल पब्लिक स्कूल कुनिहार की 8वीं कक्षा की छात्रा गुंजन ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र कुनिहार के खेल मैदान में पसीना बहाती नजर आती है। अंडर 14 एथलेटिक्स राज्य स्तरीय स्पर्धा जो कि हमीरपुर में हुई थी, शॉर्ट पुट थ्रो में 37 फीट और डिस्क थ्रो में 79 फीट दूरी तक फेंक कर पहला स्थान हासिल करके जिला सोलन का नाम रोशन किया। वो आज हिमाचल की टीम से शॉर्ट पुट व डिस्क थ्रो में राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए चयन हुआ है। गुंजन के पिता रविंद्र ठाकुर प्राइवेट जॉब करते हैं व माता मीना ठाकुर कंप्यूटर टीचर है। गुंजन के माता पिता अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश है। वो इन स्पर्धाओं में अपनी बेटी को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाह रहे हैं। वहीं बीपीएल स्कूल की डीपी अरुणा शर्मा ने बातचीत में बताया कि गुंजन शॉर्ट पुट व डिस्क थ्रो में पिछले 3 वर्षों से लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। गुंजन वर्ष 2018 में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रोहतक हरियाणा में एक नेशनल खेल चुकी है। वो इस वर्ष शॉर्ट पुट व डिस्क थ्रो में एक बार फिर हिमाचल टीम का हिस्सा बनी है। वो पंजाब संगरूर में 4 से 8 दिसंबर 2019 को होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा में गुंजन अपने कौशल का प्रदर्शन करेगी। नमस्कार जी, मेरी स्कूल की छात्रा बीएल सेंटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की छात्रा गुंजन ठाकुर शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में जिसने जो है स्टेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसकी सिलेक्शन जो है नेशनल के लिए हुई है जो संगरूर पंजाब में होने जा रहा है 4 से 8 तक। ये पिछले 3 वर्षों से जो है स्टेट जा रही है। पिछले लास्ट ईयर भी ये जो इसने नेशनल खेला जो रोहतक हरियाणा में खेला गया था, और इस साल भी ये लड़की जो है स्टेट जा रही है, नेशनल जा रही है। एलिमेंट्री से जा रही है जो एलिमेंट्री शिक्षा से, और 8th क्लास की छात्रा है ये लड़की। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुनिहार से मीरा शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।